अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सजाद अली टेकपीडिया से। आज मैं आप लोगों के लिए टेक न्यूज की फ्रेश एपिसोड लेकर आया हूं। पहली जो न्यूज है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है। तलागंग के बैतुस्सलाम मदरसे ने तुर्की में होने वाले टेक्नोलॉजी फेस्टिवल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 4 स्टूडेंट्स पर मुश्तमिल एक टीम ने टॉप मार्क्स हासिल करके तुर्की में टेक्नोलॉजी फेस्टिवल के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। इस तरीके से पाकिस्तान का नाम भी बहुत ज़्यादा रोशन होगा। बैतुस्सलाम की इस टीम ने पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी फेस्टिवल्स में कम्पीट किया है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन विन किए हैं। आम तौर पे ये तस्वुर किया जाता है कि मदरसे के जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामी तालीमात ही हासिल करते हैं, लेकिन बैतुस्सलाम जो मदरसा है वो ना सिर्फ स्टूडेंट्स को इस्लामी तालीम देती है बल्कि दुनियावी तालीम भी देती है। इसकी एक ये ताज़ा मिसाल ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कंपटीशन में बैतुस्सलाम की टीम अब तुर्की जा रही है। ये जो फेस्टिवल है ये तुर्की का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी फेस्टिवल है। दूसरी जो न्यूज है वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लम्स के प्रोफेसर्स के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जो हैं जिनमें क्लाइमेट चेंज, इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन जो है, वो मिल के लम्स के जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर नवीद अरशद साहब, उनके साथ मिल के काम कर रहे हैं। डिफरेंट प्रपोजल्स के ऊपर काम चल रहा है जिनमें इलेक्ट्रिक बाइक्स हो गई, इलेक्ट्रिक कार्स हो गए, इलेक्ट्रिक रिक्शा हो गई और ट्रक्स हो गए। रिसेंटली इस्लामाबाद में भी अटक ऑयल की जानिब से एक इलेक्ट्रिक स्टेशन लॉन्च किया गया है, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए। अभी हम बहुत ज़्यादा ऑयल बाहर से इम्पोर्ट करते हैं जिसकी पेमेंट हमें डॉलर्स में करनी पड़ती है और इसी वजह से पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा लोन है। अब जब हम इंशाल्लाह ताला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को डिवेलप करेंगे तो हमें ऑयल की बहुत कम ज़रूरत होगी, तो हम इंपोर्ट भी बहुत कम किया करेंगे पाकिस्तान में। और अब हम एप्पल के र्यूमर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एप्पल की न्यूज़ आई है कि सितंबर 8 को आईफोन की जो 12 सीरीज है और जो एप्पल वॉच की जो सीरीज है 6, वो सितंबर की 8 तारीख को अनाउंस होने जा रहे हैं। 8 सितंबर को ये अनाउंस होने जा रहे हैं। इसके अलावा जो मैक बुक्स है और आईपैड प्रो जो है वो 27 अक्टूबर को अनाउंस होने जा रहे हैं। एप्पल जो है वो अपने शेड्यूल के मुताबिक ही काम करने जा रहा है। लास्ट ईयर जो है आईफोन 11 सीरीज जो है वो सितंबर के 10 तारीख को अनाउंस हुआ था और जो आईफोन की जो अब 12 सीरीज है वो सितंबर की 8 तारीख को अनाउंस होने जा रहे हैं। ये न्यूज़ अभी कंफर्म नहीं है। ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि एप्पल के जो इवेंट है अनाउंसमेंट के और जो लॉन्चिंग इवेंट है वो ऑनलाइन हो जाए, पीपल गैदरिंग ना हो, क्योंकि फिलहाल जो पेंडेमिक सिचुएशन है कोविड-19 की वजह से इसमें यह पॉसिबल नहीं है कि लोगों को गैदर करके इवेंट करवाया जाए। लास्ट न्यूज जो है वो पबजी के अनबैन से रिलेटेड है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो फ्राइडे वाले दिन इस पबजी को अनबैन कर दिया था, लेकिन ये अभी तक इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। गेमर्स जो है इस गेम को नहीं खेल पा रहे। पीटीए ने अभी तक इसको अनबैन नहीं किया। इसकी एक रीजन ये भी हो सकती है कि ये डिसीजन फ्राइडे को आया है, उसके बाद सैटरडे संडे है तो ये छुट्टी होती है इन 2 दिनों में। उम्मीद ये है कि मंडे वाले दिन इसको पीटीए अनबैन कर दे। ये भी बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि पीटीए इस डिसीजन के खिलाफ अपील कर दे और ये गेम बैन ही रहे और केस आगे चलने लग जाए। अब देखते हैं कि मंडे को क्या होता है, ये गेम अनबैन होती है या पीटीए इसके खिलाफ अपील करता है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।